है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है भाई और आप देख रहे हैं एक्सकैलिबर गेमिंग यूट्यूब चैनल। गाइस सो गाइस थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस फिर से आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ। और गाइस आज से शुरू हो जाएंगे अपनी ब्रांड न्यू सीरीज, जिसमें आपको बताऊंगा हर एक लेजेंड्स की एबिलिटीज के बारे में। सीरीज को एंड करते करते मैं आपको सभी लेजेंड्स के बारे में तो बता ही दूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके हिसाब से आपको कौन सा लेजेंड मास्टर करना चाहिए। गाइस अभी फिलहाल तो अपन VPN लगा के ये गेम खेल रहे, तो थोड़ा लैग्स और इश्यूज आ रहे हैं। गाइस जब इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, मतलब ऑफिशियल या ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, तब गाइस इस गेम की कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। अभी भी सॉफ्ट लॉन्च में इतना स्मूथली चलता है, आप देख सकते हो 30-40 FPS आते हैं कांस्टेंट, फिर भी अच्छा खासा गेम चलता है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गाइस इस सीरीज का फर्स्ट कैरेक्टर जिसके आपको मैं एबिलिटीज बताने वाला हूँ, होने वाला है ब्लड हाउंड। और गाइस मैं आपको एबिलिटीज बताने से पहले ये बता दूंगा कि इसमें कितने एबिलिटीज ओवरऑल होते हैं। तो गाइस हर एक कैरेक्टर के पास 3 एबिलिटीज होती है, जो की है पैसिव एबिलिटी, एक होती है टैक्टिकल एबिलिटी और एक होती है अल्टीमेट एबिलिटी। गाइस ये हो गए बेसिक इन्फो, अब सीधा बढ़ते हैं टैक्टिकल एबिलिटी ब्लड हाउंड की। जब जब इस एबिलिटी को आप यूज करोगे, तब तब आप एक लिटरल हैकर बन सकते हो, क्योंकि ये ESP का काम करता है, यानी कि आपको सारे प्लेयर्स की लोकेशन बता देगा कहाँ पर है आपके सराउंडिंग एरियाज के। तो गाइस इसको आप पर्टिकुलरली 30 सेकंड्स के बाद फिर से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका 30 सेकंड का कूलडाउन होता है। तो गाइस आप इस एबिलिटी को जब यूज करोगे आपको कैसा फील आएगा तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस इसके बाद बात करेंगे अपन अल्टीमेट एबिलिटी ब्लड हाउंड की। तो गाइस अल्टीमेट एबिलिटी का नाम है हंट। और गाइस जब आप इस एबिलिटी का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 35 सेकंड के लिए मिलेगा आपको 30% स्पीड बूस्ट, और उसके साथ ही सारी की सारी जो आपकी स्क्रीन है वो हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट, और जो आपके टारगेट्स है वो आएंगे पूरे येलो कलर में। गाइस इस अल्टीमेट एबिलिटी का एक एडवांटेज भी है कि जो आपकी जो टैक्टिकल एबिलिटी का जो कूलडाउन था 30 सेकंड का, वो हो जाएगा 6 सेकंड का। और गाइस आप बार एम्स कर सकते हो, और गाइस अपने अपोनेंट की लोकेशन देख के उनको मार सकते हो या पेल सकते हो, ठीक है, जो आप बोलना चाहोगे उनको पेल भी सकते हो, मार भी सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। और गाइस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो कुछ भी हंट एबिलिटी में होता है, यानी अल्टीमेट एबिलिटी में जो कुछ भी होता है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइस टेंशन ना लो, मैं आपके लिए सभी के सभी कैरेक्टर के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा। यानी अभी गेम में है 9 कैरेक्टर, ये है फर्स्ट कैरेक्टर गेम का, और अभी जो बचे हुए 8 कैरेक्टर है, आने वाले 8 दिनों में पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर एक एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, और वीडियो काफी शॉर्ट होगी और एक्सप्लेनिंग होगी। इन सारी कैरेक्टर गाइड्स के बाद आएगी एक ऐसी वीडियो, आपको हेल्प होगी कि आपको कौन सा कैरेक्टर लेना है अपने प्लेइंग स्टाइल्स के हिसाब से। तो गाइस अब चलते हैं अपने लास्ट एबिलिटी पे, जो की है पैसिव एबिलिटी। तो गाइस पैसिव एबिलिटी के लिए मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, पर गाइस मेरे पास एक इन गेम क्लिप है जहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि ब्लड हाउंड की पैसिव एबिलिटी क्या है। तो गाइस क्लिप आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि अपने कैरेक्टर को आप बोल सकते हैं कि फुटप्रिंट्स दिखते हैं जहाँ से एनिमी पास हुआ है, और वो कितने देर पहले पास हुआ है ये भी देख सकते हैं। तो गाइस यही है पैसिव एबिलिटी ब्लड हाउंड की। और गाइस यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए सारे के सारे 3 एबिलिटीज ब्लड हाउंड की। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाले वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकॉन दबा देना है। तो गाइस यही था आज के लिए, मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज एक्सकैलिबर साइनिंग ऑफ।